हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे कुछ फ्लावर लगे हुए हैं। आज मैं आपको वेजिटेबल दिखाऊंगी। नॉर्मल मिट्टी में ही मैंने लगाया हुआ है। केवल थोड़ा सा खाद दे देती हूँ। यूरिया खाद है, DAP है, और सरसों की खली का जो उसको भिंगो करके बनाने बाद पानी डालते हैं वही मैं डालती हूँ केवल। उसी से देखिए कितनी हरी भरी सब्जियाँ हुई हैं। ये सेम का है पौधा, मैं इसकी कटिंग कई बार ले चुकी हूँ, अब मैं दोबारा ले रही हूँ। अब इसमें शायद फिर इसके बाद भी 2-3 बार अभी फल आएंगे, जाड़े तक, फरवरी तक तो आएंगे ही लगभग। यही काटने में कितना सुंदर लग रहा है, एकदम अपने घर का है, ताज़ा, अच्छे अच्छे सेम है। आप लोग भी लगाइए, घर का ताज़ा खाइए, एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ों से है ये निकला हुआ। देखिए ये मूली का पौधा है, मैं मार्केट से मूली का बीज ला करके लगाई थी। इसी मिट्टी में ढेर सारे बीज लगाई थी पर हुआ इसमें एक ही, शायद और बीज खराब निकल गए थे। ये देखिए मटर का है, मटर का ही बीज मैंने ही लगाया था, मिट्टी में डाला और निकल गया, 2 महीने लगभग हुए इसको। इधर टमाटर का भी पौधा है, जो टमाटर का रहता है बीज घर पे ही वही मैंने मिट्टी में लगा दिया था 7 अगस्त में, हो गया। ये देखिए मेरा टब ही टूट गया, मैं इसको खिसका के दूसरे जगह ले जा रही थी। ये उसका ऊपर का पालक देखिए, पालक भी गमले में ही है, नॉर्मल मिट्टी से ही है। ये मूंगफली है देखिए, कितना सुंदर मूंगफली, जो घर में मूंगफली आती है उसी को मैंने मिट्टी में लगाया हुआ है। ये कितना सुंदर मूंगफली दिखाया है इसमें, ये छोटी वाली मूंगफली है इसलिए ऐसा ही है, छोटा छोटा है। चार दोस्तों भी लगाई हूँ, मैं दिखाऊंगी जब निकलेगा तो। और सरसों भी लगाई थी, जिसका सरसों का भी बीज मैंने अब सूखने के बाद उसको काट लिया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।